नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिस 12। इसमें हम एनवायरमेंट वेरिएबल के बारे में जानेंगे कि एनवायरमेंट होते क्या है। जैसे डॉट इन वी फाइल बनती है, तो डॉट इन वी फाइल होती है हमारे सीक्रेट कोड के लिए, जो हमारा कोड जो है जो सर्वर साइड पे हम यूज कर रहे हैं किसी और को ना दिखाई दे, इसलिए हम यूज करते हैं। इसमें जो है अगर हम एनवायरमेंट में नेक्स्ट पब्लिक कर दें तो जो है उससे जो है कोड जो है वो ब्राउजर पे चला जाता है और वो दिखाई देता है। लेकिन एनवायरमेंट फाइल का भी, लेकिन एनवायरमेंट फाइल में भी हम जो है कोड को कैसे करते हैं, यूज क्लाइंट में करेंगे तो हमें दिखाई देगा, सर्वर साइड में ही दिखाई देगा। यूज क्लाइंट करने पर ही हमें एनवायरमेंट का कोड दिखाई देगा ब्राउजर में, और अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमें जो है इसके एनवायरमेंट के कोड को वहाँ ऐसे नहीं कर सेट करना चाहिए कि ब्राउजर में पहुंच जाए पर सबको दिखाई दे, नहीं तो कोई हैकर भी हैक कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ हम जो है सी को समझेंगे कि एनवायरमेंट फाइल होती क्या है। पहले तो हम यहाँ पे खोलेंगे इस चीज़ को, एनवायरमेंट लोकल भी समझेंगे जो इसमें होती है। सबसे पहले जो है हम इसमें जो है यहाँ बनाएंगे अपनी ऐप बनाएंगे, और ऐप बनाते हैं लेटेस्ट, और यहाँ पे बनाते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल। ये एनवायरमेंट वेरिएबल हमारा बनना है, ये जनरेट कर रहा है, जो जो मांग रहा है वो कर दो। अभी हमारी फाइल बना देगा, यहाँ पे हम इसमें भी कर सकते हैं। ये हमारी फाइल पूरी बन रही है तैयार। और ये इसने जो है हमारी फाइल बना दी है, और इसके बाद जो है हम इसमें आते हैं सीडी एनवायरमेंट वेरिएबल में, एनवायरमेंट वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल इस फोल्डर के अंदर आते हैं। ओहो, फोल्डर का नेम शायद गलत डल गया है, स्पेलिंग गलत डल गई। यहाँ कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो और इसको सही करो, वेरिएबल। ठीक है, हम फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब जो है हम जो है अपना वीएस कोड खोलेंगे। यहाँ हमने अपना वीएस कोड खोल दिया, और यहाँ देखिए, यहाँ आए, यहाँ आएंगे, ऐप में आएंगे। ऐप में आते ही हमारा ये पेज है, यहाँ आते हैं हम, टर्मिनल में आते हैं। टर्मिनल में आके वही करेंगे npm रन डेव, और ये हमारी जो है रन हो जाएगी। और ये रन होने के बाद ये देखिए, ये हमारी फाइल हमें दिखेगी। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पेज आ जाएगा इस पे। और जो है उसके बाद हम इस पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये आएगा। अब मैं जो है इस पेज को पहले क्या करता हूँ, इस पेज से फालतू का कंटेंट हटा देता हूँ। यहाँ मैंने ये हटाया, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ ऑल्ट जेड करता हूँ, उसके बाद डेव प्रेस करता हूँ। डेव प्रेस करने के बाद दिस इज माई मेन पेज, दिस इज माई मेन पेज, और ये मेरा इसमें शो हो रहा है मेन पेज। सी एस एस लगी हुई है, सी एस में ऐसे दिख रहा है। उसके बाद दिस इज माई मेन पेज है, ठीक है। उसके बाद और जो है मैं जो हूँ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक फाइल .env, .env फाइल को एड करी, और यहाँ मैं एक कोड करता हूँ, मेरा सीक्रेट कोड होगा। वो सीक्रेट कोड मैं रखता हूँ अपना, पहले मैं जो हूँ यहाँ अपनी एक आईडी बना देता हूँ, यहाँ अपनी आईडी बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ कृष्णा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ अपना एक कोड बना देता हूँ जो सीक्रेट होगा, कृष्णा 0y2216, ठीक है। अब ये एक सीक्रेट कोड है, ठीक है। अब ये सीक्रेट कोड के बाद मैं आता हूँ इसमें, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log, console.log, और लॉग दिस इज माई, दिस इज माई आईडी। क्या आईडी है, यहाँ मैं करूंगा प्रोसेस .env डॉट, जिस नाम से था मेरा .id, ठीक है। जैसे मैं .id करूंगा मेरे इस पेज पे आ जाऊंगा। ये देखो मेरे इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा, ये क्या हुआ है, इस पे शो नहीं हुआ। देखो
इसे अगर मैं सेव करूं तो मुझे देखो कंसोल में ये अनडिफाइन आ रही है। क्यों आ रही है ये अनडिफाइन, अभी देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो एक मिस्टेक ये हुई है कि ये ईएनवी जो है इसके अंदर बन गई, जो कि इसे बनना नहीं चाहिए था। ये ऐप फोल्डर के अंदर ईएनवी बन गई है, जो कि इसे नहीं बनना चाहिए था। इसे यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पे बनाऊंगा डॉट ई एन वी फाइल। यहाँ पे अब मैंने सेव किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ आते ही देखो पहले मुझे कंसोल में दिख रही है मुझे मेरी आईडी कैसा है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी आके देखूँ तो खैर यहाँ पे अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आके ठीक है कंसोल में दिख रही है। क्या मैं इसमें जो है अपना सीक्रेट भी ला सकता हूँ? यस, तो सीक्रेट भी ला सकते हैं, सीक्रेट भी ले आओ भाई, इसमें आ जाएगा सीक्रेट। तो ये देखो, ये मेरा देखो सीक्रेट भी आ गया, मेरा ये भी आ गया, इसमें आईडी भी आ गई, दोनों चीज आ गई। अब अगर मैं यहाँ कहूँ दिस इज माई मेन पेज एंड दिस इज माई आईडी, आई डी इक्वल टू मैं लिख दूं दिस इज माई आई डी प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट आई जी, ई एन वी आई डी, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ मैं पूरा कर देता हूँ, एंड माई सीक्रेट इज, यहाँ भी मैं ऐसी बना देता हूँ, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट सीक्रेट, इसे मैं कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ अपने पेज पे आऊंगा तो देखो मुझे यहाँ पे नजर आएगा आईडी प्रोसेस, यहाँ आएगा। ये कम नजर आ रहा है क्योंकि ये सर्वर साइड पे है, और सर्वर साइड पे इसलिए मुझे नजर आ रहा है। अभी सर्वर साइड है, इसी सर्वर साइड को अगर मैं कर दूं यूज क्लाइंट, क्या कर दूं यूज क्लाइंट कर दूं, तो फिर मुझे जो है अब ये कोड नजर नहीं आएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अब ये क्लाइंट साइड बन गई, ये सर्वर साइड नहीं रही, अब ये क्लाइंट साइड हो गई है। तो क्लाइंट साइड में मेरा आईडी थोड़ा नजर आएगा। तो इसलिए जो है ईएनवी हमारी हेल्प करता है, ये जो है ईएनवी हमारी सीक्रेट फाइल है जो हमें हेल्प करती है कि हमारा डेटा ब्राउजर पे ना पहुंचे, हमारा डेटा जो है ब्राउजर पे ना पहुंचे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसमें क्या करूं, इसमें अगर मैं लिख दूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं नेक्स्ट अंडर स्कोर, क्या कर दूं पब्लिक, नेक्स्ट अंडर स्कोर पब्लिक करते ही अगर, अब क्या होगा ये जो है, अब ये कर दूं, क्या कर दिया नेक्स्ट अंडर स्कोर पब्लिक कर दिया। पहले मैं ऐसे रखता हूँ इसे, इसे हाइड में रख देता हूँ, इसे क्यों कर देता हूँ पहले मैं छुपा के। अगर मैं नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक कर दिया तो अब जो है मेरी यूज क्लाइंट पे जो शो नहीं हो रहा था मेरा सर्वर साइट वाला, वो भी मुझे अब शो होगा। अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ मैं आता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इस पूरे को मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो हूँ लिख देता हूँ, इस पूरे को कॉपी करके इसे कॉपी किया, इस पे आए और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है यहाँ पे कर दिया। अब देखिए मेरी आईडी कृष्णा मुझे शो होनी शुरू हो गई है, लेकिन सीक्रेट शो नहीं हो रहा क्योंकि वो नेक्स्ट पब्लिक नहीं है, लेकिन ये कृष्णा है। ये क्या करता है, इस सबको जो है अब इसे ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। तो इसे जो है इसलिए ढंग से यूज करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप इसमें जो है किसी को भी कैसे भी यूज कर लो कि ये उसे ब्राउजर में भेज देगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पे आए, ये तो इस तरह शो हो रहा है। अभी मैं जो हूँ यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं एक फाइल और बनाता हूँ डॉट ई एन वी डॉट लोकल, डॉट ई एन वी लोकल ली, इसमें से मैंने उठाया ये सब डेटा, मैंने उठाया इसे कॉपी किया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैंने पहले गाओ कर दिया, और यहाँ भी मैंने जो है और ये लिख दिया मैंने। अब ये क्या होगा, अब ये क्या करेगा, डॉट ई एन वी लोकल है यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब ये डॉट ई एन वी लोकल को क्या करेगा, मेरे सर्विस साइट पर आ जाएगा, देखो
देखो डॉट ई एन वी लोकल है, इसे क्या करेगा, ये देखो इसे दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ में ये एक एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है एरर? क्योंकि ये पहले इसको प्रायोरिटी देगा, और अब जो है, हाँ अगर मैं यूज क्लाइंट हटा दूं, अब अगर मैं यूज क्लाइंट हटा दूं, तब तो आप देखिए ये मेरा जो है आईडी तो किसना थी, मेरा सीक्रेट, जो मेरा सीक्रेट था ये नेक्स्ट पब्लिक नहीं था, तो ये देखो ये शो होना शुरू हो गया। ये जो सीक्रेट था ये नेक्स्ट पब्लिक नहीं था, तो ये शो होना शुरू हो गया। साथ में जो है अगर मैं डॉट ई एन वी लोकल में आता हूँ, और डॉट ई एन वी फाइल में अगर मैं इसको भी अगर मैं हाइड कर दूँ, तो ये सीक्रेट तो यूज क्लाइंट में शो नहीं होगा, लेकिन ये सर्वर साइड में शो नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, ये तो नेक्स्ट पब्लिक करने भी क्लाइंट साइड में शो होगा, लेकिन ये सर्वर पे नहीं आ रहा था, तभी तो सर्वर पहले सर्वर पे आ रहा था। लेकिन पहले क्या करेगा ये करते ही, अब देखिए पहले देखो दोनों आएगा, माई सीक्रेट आ गई और ये इसमें आ गई आईडी, और इसमें जो है डॉट ई एन वी लोकल है, इसमें जो है ये शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है आईडी क्यों नहीं आई। मैं फिर से करता हूँ इसे नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक, ये जैसे ही मैं करूंगा तो मुझे जो है फिर सबसे पहले मुझे देखो ये गौर आएगा ना, मतलब कि मैं अगर इसे यहाँ पे आके इसे खोल भी दूँ, ठीक है ये मैंने कर दिया, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी ई एन वी लोकल को दी जाएगी। जैसे कई बार जो है ये देखो ये कृष्णा नहीं शो हो रहा, कई बार होता है कि मोंगो डीबी में आप काम कर रहे हैं वो अलग वर्क शो करता है, मोंगो डीबी वाला जो है वो अपना अलग एनवायरमेंट वेरिएबल लेता है वो अलग लेता है, तो ई एन वी लोकल में पहले डॉट ई एन वी फाइल को नहीं, सबसे पहले वो इस फाइल को प्रायोरिटी देगा, ये पहले अपलोड होगी फिर बाद में ये वाली अपलोड होगी, इस तरह से होगी। और इसके लिए जो है आप ये देखिए ये नेक्स्ट एनवायरमेंट वेरिएबल का ये पूरा पेज है, और इस पेज पे जो है आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट पब्लिक बना हुआ है, साथ में यहाँ पे जो है ये बना हुआ है नेक्स्ट पब्लिक, बहुत कुछ डरा हुआ है इस पर आप देख सकते हैं पढ़ के। और बाद में जो है नीचे आएंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए ये किन किन को पहले पहले प्रायोरिटी देता है, कि एनवायरमेंट वेरिएबल आर लॉक्ड अप इन द फॉलोइंग प्लेस इन अदर शॉर्ट स्टॉपिंग वेरिएबल इज फाउंड, पहले प्रोसेस डॉट ई एन वी को चलाएगा, फिर बाद में इसको चलाएगा ई एन वी ऐसे लोकल को डॉलर को, फिर डॉट ई एन वी लोकल फाइल चलेगी, फिर डॉट ई एन वी ऐसी फाइल चलेगी, फिर ये डॉट ई एन वी इस फाइल को चलाएगा, मतलब ये अलग तरीके से पहले प्रायोरिटी इसको देगा, ऊपर से करते करते नीचे देगा, पर हमारा जो है मेन है डॉट ई एन वी लोकल देखने हैं, और तो है डॉट ई एन वी लोकल चलेगी फिर डॉट ई एन वी चलेगी, इस तरीके से ही हमारे ये सीक्रेट कोड इसमें डाल देता है, इस तरह से पहले ये कोड चलेंगे फिर ये कोड इसमें चलते हैं, इस तरह से ये शो करता है। और यहाँ भी देखिए इस तरह से आएगा, ठीक है ना, ये इस तरह से पहले ये शो करेगा फिर ये शो करेगा फिर बाद में इसे शो करेगा, और यहाँ पे अनडिफाइंड आईडी डाल रहा है, ठीक है ना, पहले इसे शो करेगा फिर इसको शो करेगा, और साथ में देखिए ये सबसे पहले डॉट ई एन वी लोकल से लेगा, अगर इसमें कोई वेरिएबल है तभी से लोड करेगा, वेरिएबल नहीं है तब जाके डॉट ई एन वी से लोड करेगा। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक नया चीज बनाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ नेम, नाम से बना देता हूँ, और नेम में दे देता हूँ मैं विष्णु, नेम में मैंने विष्णु दे दिया, तो देखिए और यहाँ नेम में जाके विष्णु, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई नेम, दिस इज माई नेम में डॉट ई एन वी डॉट, पहले यहाँ पे करेंगे प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, और मैं लिख दूंगा यहाँ मैं लिख दूंगा नेम, तो क्या करेगा ये, अब देखिए नेम में क्या कर रहा है, मैं स्पेस पे आता हूँ, अब ये देखिए ये नेम में मुझे विष्णु शो कर रहा है, क्योंकि इसने जो है ये तो उठाया इसने ई एन वी डॉट लोकल से, क्योंकि पहले ये मौजूद था इसमें मौजूद थे, तो पहले इनको लिया डॉट ई एन वी लोकल को, उसके बाद ये नेम जो है ये डॉट ई एन वी लोकल फाइल में नहीं था, ये डॉट ई एन वी फाइल में लिखा था, तो इसने वहां से उठा लिया इसे, ये वहां से उठा लिया, जो कोड डॉट ई एन वी लोकल में नहीं था वो डॉट ई एन वी फाइल में था, लोकल में नहीं था और डॉट ई एन वी फाइल में था, तो डॉट ई एन वी फाइल के इसके कोड को इसने उठा लिया और इस नेम को इसने यहाँ पे यूज कर लिया, और इस तरीके से ये जो है यूज इसे करता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको कोड को लिया पहले, फिर ये जो है ये कोड इसमें नहीं था इसमें था, तो इसको ले लिया इसने, उठा लिया क्योंकि ये कोड डॉट ई एन वी फाइल में लिया, तो इस तरह चला दिया।
ये जो है पहले .env फाइल, लोकल फाइल को रीड करेगा, इसमें जो मिला सो मिला, फिर बाद में यहाँ से उठाएगा इस मैटर को, ठीक है। तो फिर हम आगे जानेंगे कैसे .env लोकल फाइल को हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट में, कब .env लोकल फाइल बनानी है, कब .env फाइल बनानी है, कब उसको कैसे कैसे इसमें यूज करना है। तो ये इस तरह से हमारा ये एनवायरमेंट वेरिएबल था।